औरत और एक पहाड़। एक औरत जो बेपना खूबसूरत और नाजुक है, और दूसरी तरफ एक पहाड़ जो बेपना बड़ा भारी और सख्त है। इन दोनों में क्या समानता हो सकती है? पर हकीकत तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। पहाड़ बहुत विशाल होता है, उसकी ऊंचाई कोई जल्दी नाप नहीं सकता, और उसका शिखर पाने के लिए इंसान को पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य से काम लेना पड़ता है। जल्दबाजी की तो जान जा सकती है, एक घोर तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं जाके लाखों में कोई एक इंसान पहाड़ की चोटी यानी शिखर को छू सकता है, उसकी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और विजयी हो सकता है। उसी प्रकार एक औरत के शिखर यानी उसके दिल तक पहुंचने के लिए एक इंसान को वही तपस्या करनी पड़ती है, वरना वो औरत के दिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। पहाड़ अपने स्थान से, अपनी जगह से कभी नहीं खिसकता, कभी नहीं हिलता, और जब ऐसा होता है तो भूकंप आते हैं, सुनामी आती है और सिर्फ तबाही होती है। उसी प्रकार एक औरत जब कुछ ठान लेती है, इरादा पक्का कर लेती है, तो फिर उसे कोई उसकी जगह से हिला नहीं सकता, उसका इरादा बदल नहीं सकता, और यदि कोई उसे मजबूर करे तो घर तबाह हो जाता है, गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। एक औरत अपनी कोख में 9 माह तक अपनी औलाद को रख कर अपना सीना चीर के उसे जन्म देती है, इस दुनिया में लाती है और एक नए जीवन की शुरुआत करती है, नई राहें खोलती है। उसी प्रकार एक पहाड़ को चीर के उसके गर्भ में जब रास्ता बनाया जाता है तो नई राहें खुलती है, नए मार्ग बनते हैं और जीवन का विकास होता है। पहाड़ पत्थरों से बना होता है, सख्त होता है और अपने ऊपर हर तरह का बल, आंधी तूफान बारिश बर्दाश्त करता है और कभी हार नहीं मानता, क्योंकि यदि वो टूट गया तो जो उसकी चपेट में आएगा वो तबाह हो जाएगा, मर जाएगा। उसी प्रकार एक औरत अपने ऊपर हर जुल्म को, हर कठिनाई को, हर मुसीबत को बर्दाश्त करती है, सहती है, ताकि किसी दूसरे को उससे कोई नुकसान न पहुंचे। वो खुद का बलिदान करती है मगर किसी को अपने क्रोध के साए में आने नहीं देती, क्योंकि उसे मालूम है कि वो ममता है, एक माँ है, और माँ जब क्रोधित होती है तो उसके क्रोध से, उसके टूट जाने से, उसकी आंख से एक आंसू के गिर जाने से औलाद से उसकी जन्नत छिन जाती है। पहाड़ अप्रत्याशित होते हैं, यानी जितनी भी कोशिश की जाए उन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता, उनसे कब कोई चट्टान गिर जाए कोई नहीं जान सकता। उसी प्रकार औरत भी कुछ हद तक अप्रत्याशित ही होती है और उसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। इसलिए कभी भी एक औरत को जज मत करो, उससे नरमी और प्यार से पेश आओ, उसे समझने की कोशिश करो, समझने का दावा नहीं, थोड़ी विनम्रता, थोड़ा स्नेह और थोड़ा लाड प्यार और उसकी महानता को समझो। औरत सम्मान का पात्र है, अपमान का नहीं। औरत माँ है, बहन है, बेटी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी, इज्जत है, सुकून है, जन्नत है और तुम्हारी खुशी भी।